हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बकरा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। कल जिस चेन्नई में लाखों घर थे, आज करोड़ों में बदल गए हैं। लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, काम ढूंढने आते हैं। IT एम्प्लॉयज, फिल्मों में मौके की तलाश में आए हुए लोग, बाहर के राज्यों से आए हुए मजदूर, किसान खेती बाड़ी का काम छोड़कर आते हैं। ऐसे कई लोगों के लिए चेन्नई ने अपना दरवाजा खोल कर रखा है। जमाना बहुत बदल गया है। ये चेन्नई शहर लोगों को जिंदगी देता है। अब इस चेन्नई का ये सिद्धांत है, अपने लिए खुद जीना। पैसा, नाम, शोहरत, इन तीनों में से एक या इन तीनों को एक साथ ढूंढने वाले इंसानों की भीड़ यहाँ मौजूद है। यहाँ कोई किसी के लिए भी इंतजार नहीं करता। राजनेता से लेकर गुंडों तक, यहाँ कोई मरता है तो उसकी जगह कोई और खड़ा हो जाता है। आज इस शहर में लोग मशीन की तरह काम करते हैं। ऐसे में यहाँ सच्चे प्यार की तलाश के लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ। ये मैं हूँ, मेरा नाम जया है। पिताजी मनोहर। पापा। हाँ बेटा। माँ राशन दुकान में केरोसिन लेने जा रही है, 20 रुपए लाने को कहा है। हाँ। ये लो बेटा। दीदी को बोलना दोपहर में खाना देकर आएगी। हाँ ठीक है पापा। हम 3 बहनें हैं, उनमें से मैं सबसे छोटी हूँ। मार क्यों रही है? छोड़ना। क्या कर रहे हो? हाँ, बिल्ली की तरह क्यों झगड़ा कर रहे हो? पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये वहाँ से आई और सीधा मुझे मारने लगी। ए, तुझे क्या परेशानी है? उस दिन मैं स्कूल में अपना शूलेस बांध रही थी, तब इसने मुझे धक्का दे दिया था। क्यों रे, तूने ऐसा किया? पापा, इस बात को तो 2 महीने हो गए हैं, ये अब आकर मुझसे बदला ले रही है। 2 महीने पहले? हाँ पापा। क्यों बेटी? उसी दिन मार देती थी, लेकिन मैं गाँव चली गयी थी, आज ही तो आई हूँ, आज इससे बदला लेकर आऊंगी। मैंने अपनी आगे की पढ़ाई गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से की है, यहीं पर पहली बार इब्राहिम को देखा। कल के भावी संतान आसमान के सितारों की तरह चमकोगे, खटखटाओगे खुलेगा, मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, सब कुछ मिलेगा। जाने अनजाने में अपना दिल उसे दे बैठी और उसने भी कबूल कर लिया। सर प्लीज समझिए सर, सर हम लोग शांति से लड़ रहे हैं सर, कॉलेज के सामने वाइन शॉप खोल रखा है सर, ये ठीक नहीं है सर। आपके घर के सामने वाइन शॉप होगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप हमें क्यों धमका रहे हैं सर? सर सर आप मार क्यों रहे? देखिए ये गलत है सर। सुनो सुनो, रुको 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 रुको, ये गलत है। ए, तेरे हाथ को क्या हुआ? हाँ, पुलिस पे हाथ उठाओगी तो छोड़ देंगे, हाथ तोड़ दिया ना इसका। तूने पुलिस पे हाथ उठाया? किसी पर हाथ उठाने का किसी को अधिकार नहीं होता। थप्पड़ खाने वाला भी बेवकूफ है और मारने वाला भी, हमें जवाब तो देना ही होगा ना। ए, लोगों से छिपकर हम एक दूसरे के साथ घूमते रहते थे। बाद में पता चला कि पूरा शहर हमें देख रहा है।
मेरे घर में कोई भी इब्राहिम को पसंद नहीं करता था। मैं जया थी और इब्राहिम के लिए रजिया बन गई। पुराना, मेरे परदादा के दादा आरका नवाब घोड़े की सेना में जब काम करते थे तो उन्होंने ये घर उन्हें तोहफे में दिया था। लगभग 200 साल पुराना है ये। हम अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। डार्लिंग, एक बार और प्लीज। सुबह सुबह कोई और काम नहीं है क्या? तुम इतने शैतान हो, पता होता तो तुमसे शादी नहीं करती। नहीं नहीं, तुमसे निकाह नहीं करती। कौन? मैं शैतान हूँ? नाखून से मेरा पूरा बदन खरोंच दिया और शैतान मुझे बोल रही है? अगर मेरे पास पावर होती ना तो सूरज को उगने ही नहीं देता। चलो जान। कौन सी कंपनी है, क्या काम है? मोहम्मद राउतर की कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी है। अब ये मोहम्मद कौन है? बता किसने भेजा है? तुम सबको बिठा कर ना, तुमने क्या सोचा भाई को हाथ लगा लोगे? क्या हुआ पापा? उस बॉक्सी को मुंबई में मार डालो भाई, इस पर आप रहम मत खाओ भाई। ऐसे एक ड्रम में बंद करके 4 दिन अपने एरिया में रख दो, सड़ सड़ के मरेगा और सबको पता लगना चाहिए। ठीक है भाई। आसिम भाई, करीम कहाँ है? वो कमीना बॉम्बे में छुपकर एक एक आदमी को भेज रहा है, अगर उसके अंदर जिगरा है तो उसे यहाँ आने को बोल। पापा। हाँ। मेरी बीवी के लिए यहाँ पर कोई काम मिल सकता है क्या? जरा राउथर जी से बात करो। अभी वो यहाँ नहीं है, मैं बात करता हूँ। हाँ। दो निकालना,
हाँ। ए आसिम, हाँ? क्वींस रोड पर तेरी बीवी बुर्के की दुकान में काम करती है क्या? हाँ भाईजान, जाने से मना करता हूँ तो मानती नहीं। दरअसल बात यह है, अपने इब्राहिम की बीवी के लिए काम चाहिए, तू जरा उसके लिए बात करना। बताता हूँ भाई। हाँ हाँ, पहुँच गई पहुँच गई। जरा संभल कर, मैं देख लूंगी। तो पहली बार काम पर जा रहा है, थोड़ा संभल कर रहे ना। अगर तूने ये काम बराबर किया ना, तो अच्छा पैसा कमा सकता है और उसके बाद लाइफ में सेटल हो जाएगा। जाकर राजा, किसी से बात नहीं करना। हाँ ठीक है भाई। तू कहाँ जा रहा है ये अपनी बीवी तक को नहीं बताना, सिर्फ काम पर ध्यान होना चाहिए, समझ गया? ठीक है भाई। हेलो, कितना टाइम हो गया, कब आ रहे हो तुम? ये सिर्फ 15 दिन की बात है, मेरे लिए प्रमोशन जैसा है ये। राउतर भाई ने खुद मुझे जाने के लिए कहा है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। शादी को भी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि दुबई चले जाते, तुम रोज काम से घर आओ, इसलिए तभी दुबई जाने से भी मना किया था तुम्हें। अरे रोज रोज घर तो आता हूँ ना मैं, चिंता क्यों कर रही हो? यहाँ चाहिए तुम्हें? जो भी चाहिए आकर के बताऊंगा, तब तक खुश रहो। अच्छा चल जा, चल जा, ध्यान रखना, ठीक है? एक मिनट, वो फोन दे मुझे। अच्छा सुनो, वहां पहुंच करके फोन करता हूँ। वो दे दे। हाँ ये रख ले तू, तेरे आने के बाद तेरा फोन दे दूंगा, इस फोन से तू किसी को फोन नहीं करना। जी, अब जा। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो, डॉक्टर आप मां बनने वाली हैं? थैंक्स। ओके okay. अरे मेरी जान, दो लड़की, दो लड़का, बस हो गया। तुम ऐसी हरकतें करोगे ना तो हर महीने एक बच्चा पैदा हो जाएगा। महीने में? मैं तो चाहता हूँ कि हर हफ्ते एक आए। हेलो। ऐ मेरी जान, क्या कर रही हो तुम? कहाँ चले गए हो तुम? कब आओगी मेरे पास? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, तुम पिंक सलवार पहन लो और खूब सारा गजरा। थिएटर में फिल्म देखने जाएंगे। मेरे पास एक नया आइडिया है, रात को ट्राई करेंगे, ठीक है? जी, तुम भी ना। ठीक है, जल्दी से सो जाओ, रात को सोने को नहीं मिलेगा। चल इबो, इबो, इबो,
ठीक नहीं होगा, चल अंदर। अरे रुक जा, एबो, रुक जा। आपने मेरे हस्बैंड को देखा क्या सर? हम लोग तो किसी क्रिमिनल का एनकाउंटर करने आए थे। एनकाउंटर? उसका एनकाउंटर करते वक्त दो पब्लिक इंजर्ड हो गए हैं, जीएच लेकर के गए। जीएच में? हम लोग कब से लाइन में खड़े हैं? एक मिनट प्लीज, यहाँ किसी ऐसे आदमी को एडमिट किया है जिसे गोली लगी हो। यंग लड़का है, लगभग 30 साल का। तीन आदमी गोली के शिकार होकर आए हैं, आपको किसके बारे में जानना है? आपके पति का नाम क्या है? इब्राहिम। उन तीनों को जहाँ रखा है वहाँ ले जाओ, आप इनके साथ जाइए। मेरे साथ आइए, इस तरफ। जरा जल्दी चलिए। इनकाउंटर वाले इब्राहिम की लाश किधर है? हाँ, ये उनकी बीवी है। दो मिनट रुक जाइए, डॉक्टर साहब आ जाएंगे। अरे आप क्या कर रही हैं? अरे रुकिए रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती, अंदर मत जाइए। मैं बोल रहा हूँ ना, अरे ये सब छूने का नहीं है। अरे अरे क्या कर रही हैं आप? डॉक्टर आएंगे, मुझे चिल्लाएंगे। मेरी बात सुनिए। अरे तू देख क्या रहा है? तू रोक ना। देखिए आप बाहर जाइए। अरे तू इस तरह से खड़ा क्या रखा है? उनको उठा ना, लेके जाए इनको। देखिए आप, अरे मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बाहर जाओ, पहले बाहर जाओ आप। उनको लेके बाहर जाओ, बाहर जाओ पहले। अरे डॉक्टर आने वाले हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ यार। मैडम आप बाहर आ जाइए, मैडम फॉर्मेलिटीज बाहर पूरी कर लेंगे। अरे 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 लेके जाओ, चलो चलो यहाँ से, चलो चलो लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ इनको, चलो। डॉक्टर, शाम को उसके पति को दफनाने वाले हैं, हम उसे ले जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी उसका अबॉर्शन हुआ है, एक दिन बाद ही वो होश में आएगी, फिर कम से कम एक हफ्ते का बेड रेस्ट करना होगा। बेटी, कल शाम को ही इब्राहिम को दफना दिया गया। बेटी रो मत, आपको संभाल। रो मत प्लीज, रो मत बेटी। अब तो हराम कर दे, आपको संभाल। हौसला, मुझे भाई आपकी जरूरत है, मैंने मना किया है। Thank you.
पता है इसके पति को पुलिस ने गोली मारी? पता नहीं आगे का जीवन कैसे बिताएगी अब। साथ साथ अपने बच्चे को भी लेकर चली गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि यहाँ पर रहेगी तो उसी की यादों में रहेगी। थोड़े दिनों के लिए इसे अपने घर पर रहने दीजिए। इब्राहिम भी मेरे बेटे की तरह ही था। तू जब चाहे मेरे घर पे आके रह सकती है। अब्दुल, ये 10 लाख रुपए हैं, फिलहाल खर्चे के लिए रख ले। खत्म हो जाए तो अब्दुल को दोबारा फोन कर देना, मैं इंतजाम कर दूंगा। अपना ख्याल रखना भाई। क्यों मारा गया मेरे इब्राहिम को? क्या काम करते हो? अगर वो क्रिमिनल था तो उसका मालिक कौन था भाई? क्यों आपका एनकाउंटर नहीं किया? मेरे साथ रहने वाले लोग अपनी पसंद से काम करते हैं। यहाँ किसी के जान की कोई गारंटी नहीं है। बेवजह सोचना छोड़ो और आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। जिस तरह उसे पुलिस वालों ने गोली मारी है, उसी तरह एक दिन तुम्हें भी मारेगी। वो सब हम देख लेंगे। कौन है आप? आइए अंदर। बैठो। क्या बात है भाई? उन्हें सब लोग क्रिमिनल कह रहे हैं, ड्रग्स की तस्करी करते थे ऐसा कह रहे हैं। मुझे पता है भाई, वो ऐसा नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, इतने अच्छे इंसान का एनकाउंटर क्यों किया गया? वो तो आप पर बहुत भरोसा करता था ना भाई, क्यों मारा गया उसको?
तुम लोग अंदर जाकर पढ़ो। सुनो बेटी, मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास बात है। ये सच है, इब्राहिम एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन एनकाउंटर करवाने वाला मोहम्मद राउथर है। हम जिस राउथर के पास काम करते हैं वहां अल्लाह की मर्जी के खिलाफ सारा काम किया जाता है। बाजार में फॉरेन का माल बताकर डुप्लीकेट माल बेचने का धंधा होता है। ये काम सालों से हो रहा है, जिसका हिसाब किताब हम ही लोग करते हैं। गैर कानूनी कामों का बादशाह है राउथर। राउथर को माल सप्लाई करता है अशोक सेठ, लोग उसे लाला कहकर बुलाते हैं। उसकी पहुंच ऊपर तक है। प्रदेश की राजनीति को स्पॉन्सर करने वाले चार पांच लोगों में से एक ये भी है। नेता से लेकर रोड साफ करने वाले तक को हर महीने पगार और त्योहार के समय बोनस देता है। कॉरपोरेट की तरह वो भी इस धंधे को चलाता है। एडिसन ही लाला का सीईओ जैसा है। एडिसन, लाला कौन है ये लड़की? हाँ लाला, वो थाईलैंड की पार्टी ने पनामा अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। पैसे का सारा लेन देन इसकी देखरेख में होता है। इन लोगों का ऑपरेशनल इंचार्ज राउथर है। पुलिस को हफ्ता मिलता रहता है, इसलिए वो भी इस तरफ ध्यान नहीं देती। कभी कभार तो ये लोग अपने ही आदमी को गिरफ्तार करवाते हैं और खुद ही जमानत पर बाहर निकाल लेते हैं। हे, बाहर निकलो, तुम लोगों की जमानत हो गई है। अगर मीडिया वाले परेशान करते हैं और इनकी गैंग में रहने वाला अगर इनकी बात नहीं सुनता है और आगे चलकर उसकी वजह से इन्हें मुसीबत आ सकती है, तो पुलिस के जरिए ही एनकाउंटर करवा कर मुसीबत को खत्म करवा देते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों में से एक आदमी एक बड़ी जगह पर ड्रग्स सप्लाई करने गया था। कितना माल लेके आया है? भाई 5 ग्राम लेकर के आया हूँ। 5 ग्राम? 5 ग्राम में हमारा क्या होगा? ए, 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 ए। अरे बेवकूफ कहीं का पैसे फेंक कर गया। हेलो, माल दिए बिना कहाँ जा रहे हो? ब्रदर, आपका आदमी छीन कर ले गया ना। ठीक है यार, किसी और के लिए रखा होगा, वही दे देना भाई। अब नहीं है मेरे पास। प्लीज दे के जाना, आई गिव मोर मनी। पैसे तो सब देते हैं, तुम कुछ और दे दो ना। कुछ और मतलब? कुछ और मतलब उस तरह की किस दे दो ना। ए इडियट, ए जानवी, अरे जानवी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हाट आर यू डूइंग दिस शिट नॉनसेंस? किस दे दिया ना अब दे। ये लो, चलता हूँ ब्रदर। जानवी, ये क्या है? रिलैक्स यार, एक किस ही तो थी। उसका उस लड़की को किस करना उसके लिए मुसीबत बन गई। हेलो करीम, बोलिए। एडिसन, तुम्हारा लड़का डिलीवरी के लिए गया। राजा को फोन लगा रहे। हेलो, कहाँ पर है तू? रूम पर हूँ भाई। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। भाई रूम पे है वो, उसको वहीं रुकने को बोल। आज के बाद पार्टी डिलीवरी के लिए मैं ही जाऊंगा। कैसे किस कर रही थी यार, क्या बताऊं, लिप टू लिप चूस रही थी यार। तू तो खुश नसीब है यार। अरे यार, मुझे तो ऐसी कोई मिलती नहीं है। मिनिस्टर की लड़की को किस करेगा? जो काम करते हो उसके पैसे मिलते हैं ना, उन पैसों से लड़की पसंद करके शादी कर लो। ज्यादा खुजली हो तो ऐसी कई जगह है जहां पर जाकर खुजली मिटा सकते हो। अरे डिलीवरी देने की जगह पे क्यों मुंह मारते हो? उनकी वजह से हमारा धंधा चलता है। उसकी लड़की को हाथ लगाओगे तो वो छोड़ देगा क्या? ले जाकर फेंक दो इसे कहीं। उस वक्त हम लोगों ने सोचा था कि मुसीबत टल गई, लेकिन मिनिस्टर की बेटी को किस करने वाली बात मीडिया में लीक हो गई। सर,
संस्कृति के बारे में बात करने वाले संस्कृति मंत्री मणिकरण की बेटी ने कल रात को एक प्राइवेट पार्टी में ड्रग्स लेने के बाद एक लड़के को किस कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में लीक हो चुका है और अब वो वायरल हो चुका है। इस बात से आम जनता बहुत नाराज है। राजा के बदले में पुलिस के लिए बलि का बकरा बना इब्राहिम। मेरे पति ने ऐसे क्या गलती कर दी थी? उसने कुछ नहीं किया। फिर क्यों मारा उसे? उसके पास एक सामान। सामान? कैसा सामान? जब तक वो जिंदा रहता तब तक उसको वो चीज कभी नहीं मिलती, वही है उसका सामान। मैं हूँ। दरअसल राउथर का दूसरा बेटा हुसैन तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसीलिए इब्राहिम से मिलने के बहाने वो बार बार तुमसे मिलने आता था। इब्राहिम, इब्राहिम, बोलिए। इब्राहिम नहीं है क्या? वो तो कब का ऑफिस चले गए, पहुंचे नहीं क्या? नहीं नहीं, मैं इस तरफ काम से आया था तो मैं यहाँ चला आया। इब्राहिम आया तो कहना कि मैं आया था। वहाँ पे कुछ चेक मत करना, जो कुछ भी होगा मुझे फोन करना। भाई यहाँ आइए, ये 2 लाख रुपए हैं, इनसे बच्चों के लिए आप नोटबुक खरीद लीजिएगा। नहीं भाई, ये पाप की कमाई है, आप ईमानदारी से कमाकर 10 रुपए दीजिए, वही अल्लाह को कबूल होगा। भाई कुछ और। गाड़ी निकाल। दिखती है ना वो लड़की? हाँ भाई, जब से इसको देखा है किसी और लड़की को देखने का मन नहीं कर रहा। पिकअप करना है भाई, पिकअप करना। कमीने, कमीने, कमीने। शर्म नहीं आती? दूसरे की बीवी को लाइन मारता है, किसी को भी देख के लाट टपकाने लगता है। चल गाड़ी निकाल। उसकी गलत हरकतों पर जब उसके भाई करीम ने उसे बुरी तरह से डांटा तो हुसैन ने अपने आप पर गुस्सा दिखाते हुए हुसैन ने बोतल फोड़ कर अपने ही हाथ की नस काट ली। अरे ए, 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 क्या क्या? ये लो। सुनिए, मैं इसे इस हाल में नहीं देख पा रही हूँ। अरे अम्मी, अगर सड़क पर काम करने वाली लड़की को चाहता तो भी गलत नहीं था, लेकिन ये तो दूसरे की बीवी को चाहता है, दिल तो करता है कि इसे। करीम। हाँ बोलो लाला। कुछ करता हूँ लाला। क्या हुआ? मीडिया का प्रेशर है और वो मुच्छड़ भी चिल्ला रहा है, एनकाउंटर करने के लिए आदमी को तैयार करने बोल रहा है। राजा होता तो उसे ठोक देते, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अभी किसे भेजूं। दिल तो कर रहा है इसे भेज दूं, देखो कैसे घूर रहा है। इब्राहिम को एनकाउंटर में ठोकने के लिए बोलते हैं।
चलो भाई अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेन करके उन लोगों को सजा दिलवाएंगे हम। आप गवाही देंगे ना भाई? गवाही दूंगा, जरूर दूंगा। अगर ये लोग नहीं होते ना तो मैं जरूर गवाही देता। आज की तारीख में जो नेता, अधिकारी और क्रिमिनल लोग मिलकर धंधा करते हैं, जो गलत को सही कर देते हैं, यहाँ न्याय और धर्म, जिसके पास पैसा है ना वो उसे खरीद लेता है। अब ऐसे में हम न्याय की भला उम्मीद करें तो किससे? आप मुझे एक बंदूक लाकर दे सकते हैं क्या भाई? ऐसे ही उम्र गुजरती जा रही है, शादी कब करेगा तू? हाँ मेरा अपना यहाँ कोई नहीं है, चेन्नई जाके अपने लोगों के बीच में धूमधाम से शादी करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा। ये तो तू 15 सालों से बोल रहा है कि चेन्नई जाकर शादी करेगा, चेन्नई जाकर शादी करेगा, पता नहीं तेरा क्या होगा। चलती हूँ। कितने बजे आएगी? जब भी फोन करेगा आ जाऊंगी। सर, बॉक्सी भाई, बॉक्सी भाई। आजा अंदर आजा। वो सलीम की छोकरी है ना तू? देखो मुझे कुछ बात करनी है। बात करेंगे ना, बात करते हुए करेंगे। मुझे चेन्नई से अब्दुल भाई ने भेजा है। चेन्नई में राउतर के पास जो काम करता है वो अब्दुल भाई? बैठ जा। आपसे मुझे एक मदद चाहिए। मुझे 3 लोगों को मारना है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरा दुश्मन आपका भी दुश्मन है। कौन है तेरा दुश्मन? राउथर और उसके दोनों बेटे। तुम्हारे और उसके बीच क्या दुश्मनी है?
तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन तू उन लोगों से बदला ले सकती है क्या? तुझे पता है वो कितने बड़े गैंगस्टर हैं? अगर जरा से भी चूक हो गई ना, अगर मोटिव भी पता चल गया ना, तो सिर्फ तुझे नहीं तेरे पूरे खानदान को खोद के निकालेंगे और मार डालेंगे। इस दुनिया में मेरा मेरे अलावा और कोई नहीं है, और उनको मारने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है। कल सुबह 11 बजे आ जा। अच्छा, मेरा नाम रजिया क्यों रखा? रजिया सुल्तान, बहुत सारे राजाओं के बीच में अपनी वीरता, अपनी बुद्धिमता से दिल्ली पर राज करने वाली शेरनी। क्या रे, नहीं है क्या? लाइन में आने वाली लड़की कैसे नहीं हो सकती है भाई? तू है कौन? बॉक्सी भाई। वो तो सो रहे हैं। He gave an appointment at 11 o'clock. Appointment? मजाक करने आई है। अबे चुप, इधर आ। जा। क्या है? जरूरी काम है, मैं चेन्नई से आई हूँ। रजिया, ये कहिए उनसे, उन्हें पता है, उन्होंने ही बुलाया था मुझे। जा। बॉक्सी भाई, आपसे मिलने के लिए एक लड़की आई भाई। रजिया है उसका नाम। मैं आ रहा हूँ। करेक्ट 11 बजे आ गई। पति से इतना प्यार करती है क्या? भाई, वो राजकोट पार्टी का बाद में। कुछ खाया? हाँ खाया। बैठ जा। भाई, अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो बदले में तू मुझे क्या देगी? मेरे अलावा कुछ भी मांग लो। क्यों? किसी ने मुझे चाहा, इसलिए आज मैं यहां आई हूं। आप मेरी लिस्ट में शामिल मत होइए। देखो यार, लिस्ट में शामिल करेगी। लिस्ट में शामिल होगा क्या? मिल ले। Oh!
अब्दुल्ला ने कॉल किया था। क्या बोला? अपने घर में शामिल करने को बोल रहे हैं। हाँ रख ले। अपने घर की बकरी राउतर के बगीचे में घास खा रही है। कौन है? फोन को देख के डरती है क्या? नकली गेम होता तो ये गेम जैसा हो जाता, लेकिन गेम की तरह वापस जिंदा नहीं हो सकते हैं। अब तुझे और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो फिर अब मैं चेन्नई जाती हूँ। चेन्नई जाके राउथर और उसके दोनों बेटों को गोलियां मारने। चल आजा। हम कहाँ जा रहे हैं? थ्योरी खत्म होने के बाद प्रैक्टिकल। कौन आपका दुश्मन? यहाँ दुश्मन कोई नहीं है। लड़की और नशा ये सब समान है। थिंग्स, इसे जो हासिल करना चाहता है वो आगे बढ़ता रहता है। बॉक्सी, क्या है? इधर आओ। चल बताता हूँ। कैसा है भाई? तीन बड़ा पाओ। पिस्टल कहाँ है? कौन क्या है ये जाने बिना क्यों मारना भाई? तो फिर उसकी कुंडली देखने के बाद मारते हैं क्या? मार मार मार। मार मार कमी देखो। Yeah.
अगर थोड़ा सा मिस हो जाता ना तो मैं तो गया था। एक सेकंड के लिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तेरे मरने के लिए वो एक सेकंड काफी है। यहाँ सोच के गोली नहीं मारते, गोली मारने के बाद सोचते हैं। एक आदमी को गोली मार नहीं पाई और तू चेन्नई जाके उन लोगों को गोली मारेगी। मैं 12 साल से ट्राई कर रहा हूँ और तू ऐसे बात कर रही है जैसे साड़ी दुकान से साड़ी खरीदने जा रही हो। हीरोइन क्या है तुझे पता है? सफ़ेद चूना पाउडर की तरह होता है। 1 ग्राम नाक से सूंघेंगे तो 2 घंटे के लिए मदमस्त नशा रहता है। जो भी उसका धंधा करता है उसके जीवन में मनी 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 ही सब कुछ होता है। इंडिया में आने वाली हीरोइन अफगान से सप्लाई होती है, पाकिस्तान से होकर पंजाब बॉर्डर के रास्ते तार डेजर्ट रास्ते से गुजरात कोस्टल होकर रन ऑफ कंचूरिया लेकर आने वाला हीरोइन अशोक सेठ के पास चेन्नई में आता है। वहां से बोट के रास्ते से अंडमान समुद्र के बीच में डिलीवरी होकर थाईलैंड मलेशिया उस एरिया के सारे देश में डिलीवरी होता है। उसी तरह तूतुकुड़ी के रास्ते से कोलंबो में ले जाकर उधर से कंटेनर में भरकर शिप के जरिए ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग पहुंचता है। इसकी शुरुआती कीमत पाकिस्तान में $3.50, जब इंडिया आता तो ₹600, और जब उसे चेन्नई से इंटरनेशनल होटल डिलीवरी करते हैं ना तो उसकी कीमत हो जाती है ₹7,000। 1 ग्राम के ऊपर 6,000 का मुनाफा, किलो के ऊपर हुआ ₹60,00,000। 1 महीने में कम से कम 500 किलो की खरीद फरोख्त होती है। 1 महीने का मुनाफा 300 करोड़, तो साल भर में कितना होता होगा सोच के देख। 1 स्टेट का कलेक्शन करवा सकते हैं। इन लोगों को सपोर्ट करने वाला और इन लोगों के ऊपर जो है वो मिनिस्टर तमिलावन, उसको जो भी पैसा आता है वो इधर से ही आता है, बाकी कहीं से कोई रिश्वत नहीं लेता है वो। इसलिए राजनीति गलियारों में उसकी छवि साफ सुथरी है। इसमें 50% प्रॉफिट उसको जाता है। इस ड्रग बिजनेस में 3 डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरर, मिडिलमैन, कैरियर बॉयज। इसमें पाकिस्तान टीम मैन्युफैक्चरर, अशोक सेठ मिडिलमैन, मैं और राउतर कैरियर बॉयज हैं। हम लोग अपने शुरुआती दिनों में वर्मा बाजार में चोरी का माल बेचते थे, तभी एडिसन के जरिए लाला के साथ कनेक्शन मिला तो करियर बॉयज बन गए। इतना पैसा, बहुत सारा पैसा, इतना सारा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। थोड़े पैसों के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। राउथर मुझे रास्ते से हटाकर खुद सारा पैसा कमाना चाहता था और अपने आदमी के जरिए मुझे मरवाना चाहता था। तो जिसे छूना चाहती है ना वो एक ताकतवर इंटरनेशनल नेटवर्क है। अगर इनमें से किसी को भी प्रॉब्लम हुई ना तो उसके सारे साथी उसकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। मारना है तो बाप बेटे दोनों को एक साथ मारो, अगर कोई बच गया तो समझ ले तेरा चैप्टर क्लोज। मैं बोलूँगा तो वहाँ रुक जाना, मेरे कुछ आदमी वहाँ रहते हैं, वो लोग तुझे देख लेंगे। आइए मैडम, बॉक्सी ने भेजा मुझे, ये ले बैग पकड़। इस लड़की को यहाँ पे क्यों भेजा? इसका हमारे लिए क्या यूज़ है? बेवजह में मुसीबत है। पहले से राउथर के आदमी तुमसे जिन जिन का कांटेक्ट है उनको ढूंढ रहा है। अब इसको भी हम अपने साथ रखेंगे तो ये खुद को फंसाने जैसा होगा यार। मुझे पता है उसे कहाँ यूज करना है, उसे वहीं रहने दे।
एक बिरयानी बोल दे। पति को जिसने टोका वो लग रहा है। ओ, ऐसा है क्या? ए भास्कर, सर जिस इब्राहिम को एनकाउंटर में ठोका था ये उसकी बीवी है सर। देख रहे हो इसको, ये अपने पति का बदला लेने आई है। भाई मार्केट में दो पुलिस वालों को ठोक दिया है, लड़के लोग पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस को ठोकने की हिम्मत? थोड़ा संभल के करीम। बाक्सी, भास्कर ने फोन किया था। क्या बात है? उस लड़की ने बीच रास्ते में दो पुलिस वालों को ठोक दिया। पुलिस वाले उसे बुरी तरह ढूंढ रहे हैं।
उठा नहीं रही है। भास्कर को फोन लगाओ। पूरा शहर तमाशा देख रहा था। बॉडी अपोजिट पे पड़ी हुई थी और वो आराम से बची हुई बिरयानी खा रही थी। भास्कर, वो लड़की कहाँ है? बोल उसे मेरा फोन उठाए। रजिया, रजिया, बॉक्सी भाई बहुत देर से कॉल कर रहे हैं, जरा उठकर बात कर लो। ठीक है, तू जा, मैं बात करती हूँ। बॉक्सी। ए, तू क्या पागल है? भीड़ में तूने उस पुलिस वाले को ठोक दिया। सॉरी बॉक्सी, उसे देखकर मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पाया। रजिया, शुरू हो गया तेरा? बेवजह तूने मुसीबत खड़ी कर दी। देख, राउथर की उम्र हो गई है, हुसैन नालायक है। उनकी तरफ से करीम ही एकदम शार्प है, उनको सतर्क होने से पहले करीम को मारना होगा। करीम मतलब सिर्फ करीम को ही नहीं, उसके साथ घूमने वाले 6 लोगों को भी। अगर उनमें से कोई भी बच गया ना, तो अगले टारगेट हुसैन को तुम छू भी नहीं पाओगी। सुनो, भाई कल करीम कहां पर मिलेगा? सात आठ बाइक रेडी करके रखो, कल काम है। लेकिन कल कैसे होगा? क्यों? तैयारी करनी पड़ेगी ना। जो बोला है वो कर। एक मिनट भाई, मूर्ति है। हाँ, वापा नहीं है। इतने छोटे काम के लिए मैं आऊं क्या? हाँ, तेरी तो
क्या है एडिसन? हाँ? कौन? कब? अरे वो लड़की नहीं है, चंडाल है, चंडाल। बॉक्सी, मैं सोचता था कि सिर्फ खाली बोतल फेंकती है, लेकिन पेट्रोल, स्क्रू, कीला सब उठाकर फेंक रही है, एक भी मिस नहीं हुआ है। जिस जगह पर उसने मारा, कीला घुसने से जो तड़प रहा था। लेकिन बॉक्सी, उसका दुश्मन कभी नहीं बनने का। हाँ ऐसा है क्या? फोन रजिया को दे। अभी देता हूँ। रजिया, बॉक्सी लाइन पर है। हाँ बोलो। जैसा सोचते हैं अगर वैसा होता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। वो लोग तुझे पूरे शहर में ढूंढ रहे होंगे, जरा संभल के रहना। पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। बहुत सारे बोतलों को उस पर मार के तोड़ा गया है। एक बड़े पेट्रोल बोतल में जंग लगी हुई कीला और स्क्रू से मारा गया है, और उस किले के साथ प्लास्टिक के टुकड़े को भी मिक्स किया गया है उसमें। उसकी बॉडी में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, दैट मीन्स एसिड से मारा गया। कुल मिला के 49 किला, 9 स्क्रू, 103 ग्लास पीसेस उसकी बॉडी से रिमूव किया गया है। इसके अलावा 100% बर्न्स। नरक में भी ऐसी कोई सजा की उम्मीद नहीं कर सकता है सर, बहुत दर्दनाक मौत है ये। अच्छा, रिपोर्ट कब कलेक्ट कर सकता हूँ? रिपोर्ट कल इवनिंग को कलेक्ट कर सकते हैं।
पुलिस की फॉर्मेलिटी खत्म होते ही बॉडी को भी ले जा सकते हैं। यासिम भाई, ये सब जिसने भी किया है उसे कल सुबह होने से पहले तड़पा तड़पा कर मारना है। जल्दबाजी मत करो राउथर, कल दो पुलिस वाले, आज करीम, कोई प्लान करके ये सब कर रहा है। 30 साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, आज किसमें इतनी हिम्मत हो गई। हमें सावधानी से देखना होगा। एडिसन, मंत्री को फोन लगा, इसमें कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बोल दे उसको, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है लाला। करीम को मारा है, मेरे गैंग के 6 लोगों को उठाया गया है, उन्हें ऐसे ही छोड़ने के लिए बोल रहे हो तुम? कौन है क्या है ये जाने बिना शिकार करना अगर शुरू किया ना तो गैंग वॉर में बदल जाएगा और अपने लोग ही एक दूसरे को मारेंगे। तू अभी कुछ मत कर, अभी नैलूर से 100 करोड़ का माल आया है, उसको निकालने का है। आदमी का इंतजाम कर, आता हूं। क्या हुआ पापा? भाई की लाश पड़ी है, ये कुछ करने के बजाय माल निकालने की बात कर रहा है। हेलो। हाँ सर, ये गैंग वॉर जैसा लग रहा है, प्लान करके बदला लिया गया है। मुझे लगता है कि राउथर और लाला सबकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी सर। ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए तमिल वार्नन का ऑर्डर है। अगर आपको गैंग वॉर जैसा लग रहा है तो उनको क्लोजली मॉनिटर करके मुझे इन्फॉर्म करो। एक दूसरे से लड़कर मरने दो, अगर हम कुछ करने के लिए आगे जाएंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले आवाज उठाएंगे। अच्छी बात है सर, आपस में ही लड़कर मर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे। चलो गाड़ी निकालो। ऐसे नहीं रह सकते राउथर, काम है ना, वो तो करना ही पड़ेगा वरना हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। भाई को किसने मारा जब तक पता नहीं चल जाता कोई काम नहीं करेंगे। अब मैं निकलता हूं। मातम के घर में क्या बात करनी है इतना भी समझ में नहीं आता, पागल कहीं की। ए, चल जा। कल नेलूर से माल निकालना है। राउथर करीम की मौत से पूरी तरह टूट चुका है, हुसैन किसी काम का है नहीं। बॉक्सी ने फोन किया था। मैं क्या कर सकता हूं, वो मर गया ये मर गया करके हम धंधा तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो उसको काम करने के लिए बोलता हूं। एक मिनट। हाँ बोलो एडिशन। लाला ने ओके बोल दिया, अपना काम शुरू कर दो बॉक्सी। आप राउथर के साथ 30 सालों से काम कर रहे हो, अगर मुझे राउथर की जगह दोगे तो मैं काम शुरू करूंगा। एक मिनट, उसका कहना है कि चेन नहीं उसका होगा। हाँ ठीक है बॉक्सी। ये यस, अरे क्या हुआ? नहीं मेरी है। अच्छा
और थोड़े दिन संभल कर रहना होगा। तुम भी संभल कर रहना। देखते हैं। खाने के लिए 10 रुपए दो ना भाई, बहुत भूख लगी है भाई। हाथ पैर सही सलामत है ना? मेहनत करके कमाना चाहिए कि नहीं? भीख मांग रहा है, चल जाए यहाँ से, नहीं तो गर्म पानी तेरे चेहरे पे फेंक दूंगा। भाग यहाँ से। अगर कोई मदद मांग रहा है, कर सकता है तो कर, उसके बदले एडवाइस क्यों दे रहे हैं? अपनी दुकान में काम देगा इसे? आपका कुछ खा लेना। हेलो लाला, मुझे मद्रास देने के लिए तैयार हो गया है। तूने जैसे उन लोगों को मारा है, वो लोग हिल गए हैं। कल उसने एक काम सौंपा है। अगर पूरा कर दिया ना, तो हम ही सब कुछ है फिर। आज के बाद राउतर अकेला है। कल काम खत्म होते ही राउतर को खत्म करते हैं। तुमने अपनी जरूरत के लिए मेरा इस्तेमाल किया ना, इसके लिए करीम के साथ साथ उसके आदमियों को भी मरवाया। मेरे पति की मौत के लिए जो जिम्मेदार है, मुझे उन्हें मारना है, बस इतना ही। और मुझे इस वक्त कहीं भी नहीं जाना। ये ड्रग्स का पाप मैं नहीं कर सकती। रजिया, तुझे जो ट्रेनिंग दी है, तेरे पास जो गन है, वो सब ड्रग्स के जरिए आया है। तूने बिल्कुल सही समझा। मैंने प्लान करके ही करीम और उसके आदमियों को मरवाया है। 15 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, तू मिले तो इस्तेमाल कर लिया। तुझे उन तीनों को मारना है, मुझे मद्रास चाहिए। तू मेरे साथ है, इसलिए तुझे शेयर देना चाहता था। नहीं चाहिए तो छोड़ दे, वो काम मेरे आदमी लोग कर लेंगे। तू सिर्फ अपना काम देख। चल। तुम लोगों को कोई अच्छा काम नहीं मिला क्या? तुम लोग गलत काम कर रहे हो, कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ? तुम्हारी वजह से तुम्हारा परिवार खतरे में है, पता है तुम लोगों को? कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत, किसको पता? गांव की ताड़ी को जब निकालते हैं तो वो गलत है, अंदर कर देते हैं। लेकिन केरला में गवर्नमेंट ही ताड़ी निकाल कर बेचती है। इस देश में गवर्नमेंट खुद ही लोगों को गांजा बेचती है। नीदरलैंड में ड्रग्स का धंधा लीगल है। बहुत सारे देशों में प्रोस्टिट्यूशन मान्यता प्राप्त पेशा है, लेकिन यहाँ पर उसे गिरी हुई नज़रों से देखा जाता है। यहाँ पर कानून का पालन आदमी को देखकर किया जाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बिल्कुल सही है। मैं खानदानी किसान हूँ, यहाँ इतनी तकलीफ उठा रहा हूँ। सिर्फ पानी को बोतल में भरकर बेचा जाए तो लोग 50 रुपये में खरीदते हैं उसे। हम लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और अनाज उपजाते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ भी वही हाल है। आमदनी अच्छी नहीं है, अभाव की जिंदगी नहीं जी सकती थी, इसीलिए इसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई। इसीलिए इसने सोचा इसके साथ कहीं ऐसा ना हो, एक बार सेटल हो जाऊंगा तो शादी कर लूंगा। यही सोचते सोचते 45 साल का हो गया और देखो अभी तक कुछ नहीं हुआ। डेली ब्याज, मीटर ब्याज, रॉकेट ब्याज, दूसरे की मेहनत को चूस कर जीने वाले जोंक से तो बेहतर काम कर रहे हैं। तनख्वाह मिलने के बाद भी हर एक काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, उससे ज्यादा तो गलत नहीं है ना ये? स्कूल फीस के नाम पर जो डाका डालते हैं, उस पैसे के सामने ये पाप नहीं, हम जान खतरे में डाल के कमाते हैं। यहाँ सब कुछ पैसा ही है, जिसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री बन सकता है। पैसा आते ही ऐसे लोग दानवीर बन जाते हैं, जो कभी क्रिमिनल कहलाता था उसे ही साहब कहकर बुलाया जाता है।
नमस्ते भाई। हेलो भाई। 30 किलो। आता हूँ। भाई लाला बॉक्सी के आदमियों को भेजकर नेलूर से माल उठाकर ला रहे हैं। बॉक्सी, लड़के लोग माल की डिलीवरी लेकर नेलूर से निकल गए। सेफ है ना? सेफ है। ऐसा है क्या? ओके। बॉक्सी, माल मिल चुका है। एक मिनट, लाला बात करना चाहते हैं। बॉक्सी, लाला, अब चेन्नई तेरा है बॉक्सी। थैंक यू, थैंक यू। चेन्नई। बॉक्सी, मैं घर जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं।
दस दिन के अंदर तुम्हारे बेटे को जिसने मारा उनको खत्म कर दूंगा, बोला था ना भाई। लाला। हाँ। मैं मिनिस्टर का पीए बात कर रहा हूँ। उन दोनों पुलिस वालों को जो गोली से मारा गया था ना, वो इंपोर्टेड पिस्टल से मारा गया है। जर्मन मेड P99। चेन्नई के गुंडों के पास ये इंपोर्टेड पिस्टल होने का सवाल ही नहीं उठता। या तो टेरिस के साथ संबंध होना चाहिए, या फिर किसी ने मुंबई से आकर कांड किया है। अगले दिन करीम का मर्डर करने की वजह से यहाँ पर रहने वाले किसी गैंग ने मुंबई में कॉन्टेक्ट डेवलप करके वेपन खरीदा होगा, ऐसा मुझे कमिश्नर साहब ने बताया है। अपने कॉन्टेक्ट के जरिए मुंबई में पूछ कर देखो, जो दो पुलिस वाले मारे गए हैं उसमें एक लड़की इन्वॉल्व है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। ओके। हेलो। हाँ बोलो भाई। मुझे एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे जानना है चेन्नई का कोई गैंग मुंबई में कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया है क्या? जर्मन P99 टाइप पिस्टल किसी ने नहीं खरीदा क्या? एक खास बात और, इसमें कोई लड़की इन्वॉल्व है क्या? पूछताछ करके मुझे बताओ। ओके, मैं पता करके फोन करता हूँ आपको। ओके। दादा आपको बॉक्सी जानता है ना, उसके साथ एक छोकरी घूमती है, मद्रासी है वो। बॉक्सी ने उसको शूटिंग और किकबॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी है, दो महीने पहले आई है। अभी इधर नहीं है, कहाँ गई किधर गई कुछ पता नहीं। इतनी इन्फॉर्मेशन है दादा, कुछ और पता चलेगा तो कॉल करूंगा आपको। ठीक है। बॉक्सी प्लान करके करीम और राउथर के आदमियों को मरवा कर मेरे सामने ऐसे काम करने आया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसको इस्तेमाल करके उसके आदमियों को मरवा डाला, कमी ना था वो। मद्रास मेरा है, मद्रास मेरा है। नहीं। मैंने सोचा था प्लान खत्म होने तक तुझे भी पता नहीं चलना चाहिए एडिसन। वो लड़की को उन्हें पता चला क्या? छोड़ दीजिए इन्हें, मैं तुम्हारी है। इनसे गलती हो गई होगी, छोड़ दीजिए प्लीज, इन्हें मत मारिए, छोड़ दीजिए। देख मेरी बात सुन, ज्यादा परेशान मत कर। तेरी वो जो बीवी है आधे अधूरे कपड़ों में है, और मेरे लड़के ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमें सच बता देगा ना तो तुझे खत्म करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे चुपचाप। रजिया ने करीम को मारा। ए, कौन है रे? एनकाउंटर में जो मारा गया था वो इब्राहिम था, राउथर का आदमी, उसकी बीवी। राउथर ने उसका एनकाउंटर करवाया था, इसलिए वो उसके पूरे परिवार से बदला लेने के लिए तड़प रही है, और वो बॉक्सी ने उसको इस्तेमाल किया। मुझे बस इतना ही पता है, अब मुझे छोड़ दो, जाने दो। लाला, इतना ही पता है बोल रहा है? हाँ ओके। नहीं मत मारिए रे, छोड़ दीजिए, नहीं। ए, कल ये भी बदला लेने आ जाएगी, इसलिए लाला ने कहा कि इसको भी खत्म कर दो। नहीं मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी माँ के घर चली। बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए तूने दूसरे की बीवी के साथ उसकी शादी करवाने का प्लान बनाया था ना, ये तो उसके लिए दलाली करने जैसा काम हो गया। बहुत बड़े बड़े साम्राज्य लड़कियों के चक्कर में तबाह हुए हैं। तेरे बेटे की इच्छा की वजह से कितनी जाने गई पता है? पसंद आए तो उठाकर काम कर लेना चाहिए, वो छोड़कर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। इस बारे में रजिया को कैसे पता चला? इसके लिए कोई बाहर से थोड़े आया होगा, तेरे साथ काम करने वालों में से किसी कमीने ने उल्टी की होगी। अब जल्दी से मामला निपटाओ और काम शुरू करो भाई, चलो निकलो।
इब्राहिम, उसका एनकाउंटर करवा दो। सीट मिल गई क्या? मिल गया पापा। भाई लड़का काम का है। उन्हें सब कुछ पता चल गया है बेटी। भास्कर के सारे आदमी खत्म हो गए हैं और भास्कर भी बचा नहीं होगा। तुम संभल कर रहना और कहीं दूर चली जाओ। अपना ख्याल रखना बेटी। अब्दुल भाई फोन ना दे ना। बोलता हूँ बेटी बोलता हूँ। बैठ जा। इतने सालों से काम कर रहा है तो अब्दुल मेरे साथ? मुझे लगता है यही कोई 30 से 35 साल। इतने सालों में दूसरों के लिए मैं बुरा था लेकिन तेरे लिए तो अच्छा था। तेरे अच्छे बुरे वक्त में तो साथ दिया ना। तेरा अच्छा दोस्त बन के रहा मैं। फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्या वजह हो सकती? कुछ बताएगा? इब्राहिम के साथ मैंने जो किया अगर वो धोखा है तो तूने जो किया वो क्या है? अपने धंधे में जैसे और लोगों को मारते हैं वैसे तुझे मारने का मन नहीं कर रहा। मुझे बहुत दुख होगा। फैसला तो खुद कर ले। भाई मुझे सिर्फ एक बार। तू उस तरफ पलट जा अब्दुल। मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। नमस्ते भाई। भाई खुद एक अच्छा फैसला लेंगे। एक घंटे में मुझे फोन आ जाना चाहिए। ठीक है भाई। Thank you.
अब्दुल भाई ने खुद को फांसी लगा ली है। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। उसे उठा के अंदर कर देंगे तो इलेक्शन के लिए पैसे कौन देगा? गुड मॉर्निंग सर। मैं देख लेता हूं। सर कल एक रात में 9 मर्डर हो चुके हैं। अगर अभी भी गैंगवार समझकर छोड़ देंगे तो सब लोग शुरू हो जाएंगे सर। ये सब करने वाले रावथर के आदमी हैं। ये करीम के मर्डर का रिवेंज है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसमें लाला भी इन्वॉल्व्ड है। वी नीड टू टेक सम इमीडिएट एक्शन सर। सेंसिटिव हो रहा है मामला। इस केस में राउथर को अरेस्ट करके अंदर कर देंगे तो सिटी में ड्रग सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगा सर। अगर आप परमिशन दें तो हम राउथर को उठा लें। अभी सब मीम्स डाल के बदनाम करते हैं ना, पहले ये सब करने वाले को उठा के अंदर डालो। इन लोगों को आप पकड़ नहीं सकते सर। पूरे शहर में ड्रग यूजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं सर। इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है। अब छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के लिए पैसे ना मिलने पर पेरेंट्स पर अटैक कर रहे हैं। कई जगहों पर वायलेंस हो रहा है। इसमें डोमेस्टिक इश्यूज काफी मायने रखता है सर। कुछ लोग एविडेंस के साथ फंसे हैं सर, उन्हें हम आसानी से उठा सकते हैं सर। प्लीज देखिए कमिश्नर साहब, राउथर को उठा के अंदर कर दोगे तो शहर में कोई ड्रग्स नहीं बेचेगा क्या, या यूज नहीं करेगा? आपने भी बहुत लोगों को अरेस्ट किया है, एनकाउंटर भी किया है, ड्रग्स को सीज किया है। ड्रग ट्रैफिकिंग कम हुआ है क्या? कितना अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो? ड्रग यूज करना कम हुआ है क्या? ड्रग यूज करने वाले सारे बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 पुलिस वालों को गोली मार दी गई, उनको तो तुम लोग ढूंढ नहीं पाए। एक पुलिस को मारने वाले को ढूंढ नहीं पाए तो इसे कहां से ढूंढ पाओगे? पहले उसे खत्म करो। उन्होंने जो एनकाउंटर किया था ना, ये एनकाउंटर नहीं था, मर्डर है। करीम को भी इसी ने मारा है। इसे पकड़ के पहले अंदर करो या इनकाउंटर करो। राउथर को अरेस्ट करने के बारे में बाद में सोचेंगे। ओके सर। क्या है सर ये, क्या बोल रहे? पहले इसे पकड़ो। लुइस, वी नीड टू हंटर, जितना जल्दी हो सके उतना। सर एक्चुअली हमें जो करना था वो काम वो कर रही है, फिर क्यों सर? hey, पुलिस वाले की तरह बात करो। अपने सुपीरियर से जो ऑर्डर मिलता है उसे फॉलो करना ही होता है। उसने हमारे 2 आदमियों को मारा है। शी इज ए क्रिमिनल एंड मर्डरर। हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, मिनिस्टर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। वी नीड टू हंटर। दिन में कितने लोगों को मारोगे तुम लोग? साइको कहीं के। कमिश्नर मेरे पास एविडेंस लेकर तीनों को अरेस्ट करने के लिए परमिशन मांगने आया था। राउथर को किसी भी कीमत पे अरेस्ट करना चाहता है वो अपना डीसी। उसे हैंडल करने में मेरी तो जान ही निकल गई। अच्छा है मीडिया को भी पता नहीं है, उस लड़की को बीच में डाल के केस को डाइवर्ट कर दिया है। अपने आदमियों को समझा दो, अगर कोई उन्हें मारे भी ना तो वो शांत रहे।
हमारे मजहब में लाश को जलाना हराम है। अल्लाह इसे नहीं मानता है। अपने बेटे की बची हुई हड्डियाँ दफना कर आया हूँ मैं, और आप कह रहे मैं चुप रहूँ? वो पर्दा डाल के घूम रही है, आपके बिरादरी के लोग उसे उठा के देख सकते हैं या पुलिस वाले देख सकते हैं क्या? वो जो डीसी है ना, वो तुम दोनों की ताक में लगा हुआ है। इसके बाद अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं साइड हट जाऊंगा। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ लाला। राउथर, ये जो कह रहे हैं वो सही है। अब इसके बाद तुम कुछ भी नहीं करना। इस महीने के शेयर्स आपके अकाउंट में डाल दिया गया है। ही आपकी पार्टी का स्टेज नहीं है कि हट जाने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ हटना है तो चाहे कोई भी हो, भले मैं क्यों ना हूं, वो हटता नहीं है, खत्म होता है। यहाँ फातिमा कौन है? फातिमा वो वहाँ है सर। फातिमा जी मैं ही हूँ। जया कहाँ है पता है? जया? किस जया की बात कर रहे हैं सर? रजिया, इब्राहिम की वाइफ। उससे मिलकर तो बहुत दिन हो गए हैं, वो अब काम पर भी नहीं आती सर। दो पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस केस में मुख्य आरोपी रजिया उर्फ जया फरार हो चुकी है, इसलिए रजिया के माँ बाप को त्रिवेली केनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। टीम में जो आ रहा है क्या वो सच है? मेरी चाहत की वजह से उसने अपने बेटे से शादी करवाने की चाह में एनकाउंटर के नाम पर इब्राहिम का कत्ल करवा दिया। मेरे साथ जो हुआ वो कल किसी और के साथ नहीं हुआ, इसीलिए। वो प्यार के चक्कर में घर छोड़कर 7-8 महीने पहले चली गई, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है सर। जितना पता है वो बता दो। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा? नहीं देखा। कुछ भी मत छुपाना। शादी के बाद मैंने उसे नहीं देखा। हेलो, सुनिए, मेरे फोन पर एक वॉइस मैसेज आया है, वो मैंने आपको अभी भेजा है, लेकिन जब मैं उसे सुन रही थी तो मेरे साथ कोई और भी था। आप एक काम कीजिएगा, अकेले में ही सुनिएगा। ए, हेलो, हम लोगों को शुरुआत से पसंद नहीं था वो सर, और उसने शादी कर ली। बोलिए ना सर। रजिया के माँ बाप को स्टेटमेंट लेकर भेज दो, बाद में देखते। ओके सर।
लुइस। सर। राउथर के इलाके में राउंड्स बढ़ा दो, और हाँ, राउथर के गोडाउन, घर, हर जगह को क्लोजली मॉनिटर करो। रजिया, हुसैन और राउथर पर अटैक करने जरूर आएगी, होशियार रहना। ओके सर। रजिया जब आ जाए तुम उसे कांटेक्ट करो। यस सर। हुसैन, उस लड़की को कुछ भी नहीं करना है। वापा ने कहा है पुलिस खुद देख लेगी। यासिम, गोडाउन में आ। यासिम, उसे उठाकर उसको बर्बाद करके पूरे शहर को बांट कर उसे तड़पा तड़पा का मारूंगा, तब मुझे जाकर सुकून मिलेगा। वो कहां अपने आदमियों को बोल ढूंढे उसे। हटो बीजो, तुम लोग हटो। रजिया के यहाँ आने से पहले वो हुसैन बार बार यहीं आता था, दुकान में भी आया करता था। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अगर रजिया वहाँ नहीं आती ना, तो इब्राहिम की जगह वो तुझे मार डालता। लेकिन मैं रजिया की तरह नहीं बन जाती। 6 महीने के बाद भी अगर वो आकर मुझसे कहता कि वो मुझसे शादी करना चाहता है ना, तो मैं उसे हाँ कह देती। ये सब भी कोई काम है क्या? कोई ढंग का काम नहीं है। थू। ए, जिस काम के लिए हम जाते हैं, अगर हम लौट के नहीं तो हमारे बीवी बच्चों को तुम संभालोगे? इसी विश्वास के साथ तुम जो कहते हो वो हम करते हैं, और हमारे घर में मुंह मारना चाहते हो? ए, तुम सब जाकर अपना अपना काम करो, तभी इन लोगों को हमारी अहमियत का पता चलेगा। बोल रहा हूं ना, जाओ तुम लोग जाओ। Ah!
सर, हुसैन और उसके आदमी गोडाउन के अंदर गए थे, फिर उसके आदमी बाहर आ गए सर, लेकिन हुसैन अंदर ही है। मुझे ठीक नहीं लग रहा है सर। मैं वहां पहुंच रहा हूं, गोडाउन के अंदर क्या हो रहा है देख सकते हो तो मुझे बताओ। यस सर। बोलो सर, हुसैन यहां मरा पड़ा है सर। हाँ, सर कहां पर है? यही पे सर। रजिया, जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, सब कुछ अल्लाह देख रहा है। जो भी गलत करता है उसकी नजर से बच नहीं सकता। अब ये सब और नहीं बेटी, सरेंडर हो जाओ, केस लड़ते हैं हम लोग, है ना? मेरी माँ पार्वती रोज मंदिर जाती थी, हर व्रत रखती थी, मैं भी उनके साथ व्रत रखती थी। निकाह के बाद मैंने नमाज भी अदा की, ना मुझे इस समुदाय ने बचाया और ना ही किसी भगवान ने। मेरी भूख मिटाने के लिए आप नहीं खा सकते, मुझे जो चाहिए वो मैं मांगूंगी। Thank you.
अभी हाल में सिटी में जितने भी खून हुए हैं उसकी वजह रजिया है। कल रात को राउथर और उसके दूसरे बेटे का भी खून कर दिया है उसने। हेलो भाई, हुसैन को, हुसैन को, हुसैन को, हुसैन को क्या हुआ? मर गया। जिस चीज के लिए वो मुझे चाहता था मैंने उसी जगह मार मार कर उसे मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, तमिलनाडु के ड्रग्स नेटवर्क के माफिया लाला और उसके राइट हैंड एडिसन को भी उसने गोली मार दी है। हाँ सर, राउथर के गोडाउन में हुसैन को मार दिया गया है और यहाँ पर काफी सारा हेरोइन पड़ा हुआ है। अभी तक फॉरेंसिक को इन्फॉर्म नहीं किया है। आप इधर आ जाए तो कैसे डिस्पोज करना है उसके बारे में बात कर लेंगे। हेलो सर, कैसे हैं? हाँ एक मिनट सर। फोन। हाँ बोलो सर। आपने जैसा कहा था, लाला, एडिसन, राउथर तीनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया है सर। मीडिया को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। राउथर के गोडाउन में ही ये सब हुआ। गोडाउन को चारों तरफ से डीसी रामचंद्र ने घेर लिया। उन पर रजिया ने फायरिंग शुरू कर दी। सर, मेरी एक विश पूरी करेंगे। मैं और इब्राहिम जिस घर में रहते थे एक बार उस घर को देखना चाहती हूँ।
लुइस। सर। ये पहले ही काफी दर्द सह चुकी है, इसे बिना दर्द के खत्म कर दो। यस सर। अरे मेरी जान, दो लड़की, दो लड़का और बस हो गया। अपनी वीरता और बुद्धिमता से दिल्ली पर राज करने वाली एक शेरनी। अक्सर लोग खुशी और चैन की जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने हाथ में नहीं होता, वो हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर भी डिपेंड करता है। हमारे साथ रहने वाले, हमारे आसपास रहने वाले लोग जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, उससे भी हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैंने क्या गलती की थी? अगर मैं सिर्फ जया होती तो, अगर मैंने इब्राहिम को देखा ही नहीं होता तो, इब्राहिम पैसा और अमीर बनने के लालच में उस गैंग में नहीं गया होता तो। चीजें चरित्र को बदलती हैं, चरित्र लालच में बदलता है, और जब वो लालच पूरा नहीं होता तो अंदर से आग उगलती है और हमें जलाकर राख कर देती है। उनके साथ ही हमने करोड़ों के हीरोइन को भी बरामद किया। वहां से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हम बहुत सारी जगहों पे तलाशी कर रहे हैं। इस ऑपरेशन को कामयाबी दिलाने वाले डीसी रामचंद्रन मूर्ति और उनकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। सर, सर, पूरी बात जानना चाहते सर, प्लीज सर। तुम्हें ये काम रजिया की गुजारिश पर मिला है, उसी की तरह तुम्हें भी हिम्मत से काम करके डिपार्टमेंट में आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।